हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं श्रीनगर से सोनमर्ग, जो कि यहाँ से 3-4 घंटे की दूरी पर है। तो मिलते हैं आपसे सोनमर्ग में। हेलो एवरीवन, हम पहुँच चुके हैं सोनमर्ग और आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ का व्यू। अच्छे से लाइट आ रही है। इतना अच्छा रूम है। काफी बड़ा है रूम यार। और ये है बालकनी। डार्क कर रहा है। अपना रूम क्लोज करके जा रहे हैं सोनमर्ग के ग्लेशियर पर। ग्लेशियर के लिए निकल रहे हैं और गाड़ी वाले भाई ने बहुत अच्छे सॉन्ग लगाए हैं। ये रोड पूरा क्लोज होता है बर्फ से। सोनमर्ग बर्फ तो बंद ही होता होगा। ये तो पूरा बंद रहता है। अच्छा, है वहाँ पर पहुँच के ये जो नदी उतर रहा है इसके बीच में बनती है टनल। एक पानी नीचे से जाता है, ऊपर बर्फ रहता है। ग्लेशियर जहाँ पर हमें जाना है, डॉक्टर साहब से चला नहीं जा रहा है। वहाँ मत दिखाओ यार, उसको क्यों दिखा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। बहुत ऊंची चढ़ाई है। फिटनेस फ्रीक प्रियंका नेगी अपना हुनर दिखाते हुए पहले बोल। हमें ना घोड़े पे नहीं जाना था। हमने सोचा कि हम ना हमने नहीं इन्होंने क्यों ना हम पैदल ही चले, थोड़ी सी कैलोरीज भी बर्न हो जाएगी और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो हम कुछ पैदल ही चल पड़े हैं। अब देखते हैं कि कहाँ तक हम ये चढ़ाई चढ़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे उस पॉइंट पे, ग्लेशियर पे। बाय। हाँ जी, पहुँचने वाले सामने नज़र आ रहा है। घोड़े पे जाना नहीं चाहते थे क्योंकि इस बारे अगेंस्ट द क्रुएलिटी टू एनिमल्स। तो सोचा कि मैडम फिटनेस फ्रीक मैडम सोच रही हैं कि हमने गोबर पे पहुंच जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने केक काट दिया है। केक इसकी वजह से कट रहे हैं। तो बहुत अच्छा कटा मैडम को, अच्छा अनुभव हो रहा है। कई केक काटे मैडम ने। हाँ पूरा सा प्लेन ही, कुछ भी नया नहीं है। ओके
मैं तो चल ही रहा हूँ तब से। ओके हेलो एवरीवन, और हम जा रहे हैं अब वापस सोनमार्ग की ग्लेशियर से, और यहाँ पे थी जी बहुत ज़्यादा ठंड, जिस वजह से मुझे पहननी पड़ी जैकेट, जिसके आप देख सकते हो पीछे। हम यहाँ पर ट्रैकिंग पे ही गए थे, मतलब पैदल ही गए थे। यार फाइनली हम निकल चुके हैं वापस अपनी होटल की ओर, और कुछ ऐसा दिखता है दूर से सोनमार्ग का व्यू। हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ और शूट करूं।